हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएस एकेडमी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल के द्वारा मैट्रिक 2023 में आने वाले गेस्ट क्वेश्चंस की श्रृंखला डाली जा रही है, जिसमें जो कि अनुमानित है यानी कि गेस्ट क्वेश्चंस है। और यह पहला सब्जेक्ट था वो था साइंस। इसके पहले मैंने सेट वन और सेट टू आप लोग के सामने डाला था, जिससे स्टूडेंट्स बहुत अधिक लाभान्वित भी हुए हैं और बहुत स्टूडेंट्स उसकी तैयारी भी कर रहे हैं। इससे बहुत अधिक आशा है कि आप लोगों को अधिकांश सवाल हल करने में मदद मिलेगी। तो आज हम लोग बात करेंगे अगले सेट्स के बारे में, जैसे ये सेट टू के बाद ये है सेट थ्री। अब इसमें देखिए, ये साइंस से है, मैट्रिक एग्जामिनेशन 2023। साइंस यानी कि विज्ञान का अनुमानित प्रश्न है, यानी कि गेस क्वेश्चंस है। इसको अनुमान के आधार पर बताया गया कि मतलब ये आ सकता है। इसके अध्ययन से आप लोग को बहुत ज़्यादा मदद मिल सकता है स्टूडेंट्स। तो जैसे देखिए, आगे का ये क्वेश्चन कौन सा है कि ओम के नियम को लिखें। यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि ओम के नियम को लिखें। उसके बाद नंबर आता है दृष्टिदोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। दृष्टिदोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा एवं दृष्ट धारा में अंतर बताएं। यह क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है सूर्योदय के समय सूर्य लाल क्यों प्रतीत होता है। नेक्स्ट, विद्युत मोटर के सिद्धांत तथा कार्यविधि का सचित्र वर्णन करें। अगला है भूमिगत जल के किन्हीं दो लाभों का वर्णन करें। तो ये सब क्वेश्चन तो आप खुद भी आप लोग लिख सकते हैं। जैसे भूमिगत जल के किन्हीं दो लाभ क्या हो सकते हैं, तो दो लाभ हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहला तो है कि यह प्रदूषित नहीं हो सकता है, या जीव जंतु जानवर इसे दूषित नहीं कर सकते हैं। दूसरा है कि इसको जो है यह धरती में संचित रहता है और इसको अधिक समय तक हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। ये सब लाभ है भूमिगत जल का। जो धरती के अंदर जल की मात्रा क्या रहती है, दबी हुई रहती है, यानी कि जमा रहती है, कलेक्ट रहती है। अब कहता है अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र लिखें तथा इसके दो उपयोगों को लिखें। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग क्या होते हैं, तो जैसे किसी का हाथ फ्रैक्चर हो जाता है, हड्डी टूट जाता है, तो उसके प्लास्टर में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद आपको जो मूर्ति बनाई जाती है उसके सांचे बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, या इसका उपयोग बहुत सारे कामों में किया जाता है। जैसे आपको बता दें कि अनेक अलग प्रकार के फूल वाले से बनाना हो तो इससे बनाया जाता है। अगला बात है कि अयस्क क्या है। तो अयस्क क्या होता है, तो अयस्क एक खनिज है जिसमें आपको क्या होता है, तो इसमें अयस्क किसको कहते हैं, जिसमें आपको अधिक मात्रा में धातु प्राप्त हो। खनिज दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कि मान लीजिए कि कम मात्रा में धातु प्राप्त होता है और बहुत अशुद्धि होती है, और एक होता है जिसमें बहुत अधिक मात्रा में धातु होता है और कम अशुद्धि होती है। तो उसी को हम लोग अयस्क कहते हैं, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में क्या रहता है, धातु रहता है और कम मात्रा में अशुद्धियाँ रहती हैं। अगला क्वेश्चन है पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखना चाहिए। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि पीतल तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ को नहीं रखा जाता है क्योंकि ये क्या होता है, ये जो दही होता है अम्लीय होता है और पीतल तांबे के साथ तुरंत क्या कर देता है, रिएक्शन कर देता है, रिएक्शन करके ये गैस का निर्माण कर देता है। अगला क्वेश्चन है लोहे को जंग से बचाने के लिए कैसे बचाया जा सकता है। तो ये देखिए, लोहे को जंग से कैसे बचाया जा सकता है, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। इसके लिए क्या किया जा सकता है, तो इसके लिए है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, जस्तीकरण कर सकते हैं, यानी गैल्वेनीकरण जिसको बोलते हैं वो कर सकते हैं, या इस पर पेंट लगाया जा सकता है। ये सब काम किया जा सकता है जिससे कि क्या होगा, लोहा जंग से बच जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सहसंयोजक बंधन क्या है, इसके दो उदाहरण दें। तो सहसंयोजक बंधन तो आप लोग भी जानते हैं, जैसे कि जब दो तत्व होते हैं वो एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन का साझा करके अष्टक पूरा करते हैं, यानी तो उसको हम लोग सहसंयोजक बंधन कहते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि दोनों ही तत्व एक दूसरे को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स देते हैं और उसके द्वारा एक बंधन निर्माण होता है, जिसे हम लोग सहसंयोजक बंधन कहते हैं। आगे बात करते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच के किन्हीं पांच महत्वों का उल्लेख करें। यह भी आसान है कि दैनिक जीवन में मतलब आपके जो लाइफ है उसमें आपको दिनचर्या में बताना है कि पीएच मान तो आप लोग जानते हैं, यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच मान क्या होता है, जैसे पीएच मान पे थोड़ा सा हम लोग बात कर लें कि जैसे जल तो जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, यानी कि 7 पीएच मान जिसका होगा वो उदासीन होगा, न तो अम्लीय होगा न ही क्षारीय होगा, यानी कि जल हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, इसको पीने से कोई हानि नहीं होता है। जल का पीएच मान 7 होता है। 7 के ऊपर जैसे जैसे आप बढ़िएगा, यानी 8 पीएच मान, 9 पीएच मान, 10 पीएच मान, 11 इस तरह जाइएगा, तो इस तरह से आपको जो है उसकी क्षारीयता बढ़ती जाएगी। और पीएच मान 7 के नीचे जैसे जैसे आप जाइएगा, 6 5 4 ऐसे जाइएगा, तो अम्लीयता बढ़ती जाएगी, यानी
पीएच मान यानी कि 7 से नीचे के जितने भी पीएच मान होते हैं वो सब अम्लीयता को दर्शाते हैं और 7 के ऊपर जितने भी होते हैं वो क्षारीयता को दर्शाते हैं। तो ये हमारे दैनिक जीवन में पीएच मान के 5 महत्वों का उल्लेख करना है। तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है जो कि मतलब लिखा जा सकता है। आगे बात करते हैं हाइड्रोकार्बन क्या है, कितने प्रकार का होता है। उसके बाद है रक्त का द्विगुण परिवहन क्या है। तो रक्त का द्विगुण परिवहन क्या है भाई, तो रक्त का द्विगुण परिवहन का अर्थ होता है कि आपके हृदय से एक बार रक्त जाता है फिर शुद्ध होकर फिर हृदय में आता है और हृदय फिर उसको विभिन्न अंगों तक पंप करता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं रक्त का द्विगुण परिवहन कहा जाता है। एक प्ररूपी पुष्प का चित्र बनाइए, इसमें पुष्प का चित्र बनाइए और उसके सभी अंगों का नाम लिख दीजिए। तो ये जो है ये चित्र वाले क्वेश्चन लॉन्ग में आते हैं और ये बहुत आसान भी होता है, यदि आप थोड़ा सा अभ्यास कर ले तो आसानी से क्या किया जा सकता है इसको बनाया जा सकता है। अगला है कायिक जनन क्या है। ये कायिक जनन क्या होता है, तो कायिक जनन यानी कि कायिक प्रवर्धन, वही कायिक जनन कहलाता है। ये एक अलैंगिक जनन की विधि है और इसमें क्या होता है पत्तियों के द्वारा या तने के द्वारा एक मतलब पत्तियों के द्वारा ही या मतलब फूल पुष्प गिर के एक नया पौधा जन्म ले लेता है, उसी को कायिक जनन कहते हैं। आगे है धमनी और शिरा में अंतर बताइए, धमनी और शिरा में अंतर बताने, ये भी बहुत तेजी से क्वेश्चन है। तो कहते हैं कि देखिए ये जो है आज जो ये साइंस का गेस्ट क्वेश्चन है मैट्रिक एग्जामिनेशन 2023 के लिए, ये आज सेट 3 है। सेट 3 के बाद अब हम लोग बात करेंगे सेट 4 की। अब देखते हैं कि सेट 4 में कौन कौन सा क्वेश्चन है। तो सेट 4 में कौन कौन सा क्वेश्चन है, देखिए साइंस के लिए ही मैट्रिक 2023 के लिए। तो सेट 4 में क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस में वस्तु का आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब हेतु वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, सचित्र समझाइए, यानी कि इसके लिए ड्राइंग बनाइए और ड्राइंग बना के तब बताइए कि वस्तु कहाँ रहेगी। तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और आवर्धित यानी कि बहुत बड़ा बनेगा, प्रतिबिंब बड़ा बनेगा वस्तु से। अगला है क्वेश्चन कि पानी में रखा सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है क्यों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी में डूबी हुई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है क्यों। ये तीनों में से एक आना ही है, जैसे एक और क्वेश्चन इसमें कि पानी में डूबी हुई पेंसिल मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है, तो ये तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर ही जरूर आएगा, ये निश्चित है, एक क्वेश्चन इसमें आना ही है। अगला बात करते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा की 2 हानियाँ बताएं। प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी धारा, जो कि हमारे घर में मतलब कहने का अर्थ है हम लोग जिसमें बिजली जिसको कहते हैं, तो प्रत्यावर्ती धारा एसी को कहा जाता है और दिष्ट धारा बोला जाता है डीसी को, यानी कि बैटरी वाले बैटरी से जो सप्लाई होता है वो, और प्रत्यावर्ती धारा वो है जो कि तार के द्वारा हमारे घरों तक पहुँचाया जाता है। तो प्रत्यावर्ती धारा की 2 हानियाँ बताइए, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्ते नियम को लिखे, ये सब यही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दे, विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दीजिए। अगला कहता है कि फ्यूज तार की 3 प्रमुख विशेषताओं को लिखे, फ्यूज तार की तीन प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हो सकती है। तो फ्यूज तार तो आप लोग जानते हैं जिसकी प्रतिरोध अधिक हो और गलनांक क्या हो कम हो, प्रतिरोध अधिक हो और गलनांक कम हो, ये जो होता है फ्यूज तार की विशेषता होती है। ये सब विशेषताओं से जो फ्यूज है जल्दी गल जाता है और घर में शॉर्ट सर्किट होने से बचा जा सकता है। अगला बात करते हैं प्रतिरोधों का समानांतर क्रम एवं पार्श्व क्रम संयोजन क्या है। तो प्रतिरोधों का समानांतर क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन क्या है, तो विभिन्न प्रतिरोधों को एक छोर को सभी प्रतिरोधों के एक छोर को एक साथ और दूसरे छोर को दूसरी ओर एक साथ अगर हम लोग ये कर देते हैं कंबाइंड कर देते हैं यानी जोड़ देते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं प्रतिरोधों का समानांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन कहा जाता है। उसके बाद है 3 प्रतिरोधों के समानांतर क्रम संयोजन का व्यंजक प्रत्यय, देखिए ये 2 क्वेश्चन आते हैं, एक तो आता है आपको श्रेणी क्रम संयोजन, एक आता है प्रतिरोधों का समानांतर क्रम संयोजन। इसमें एकदम कॉन्फिडेंट रहिए कि एक क्वेश्चन तो आएगा, या तो आएगा श्रेणी क्रम संयोजन या आएगा समानांतर क्रम संयोजन, ये लॉन्ग में आते हैं, इन दोनों का अभ्यास कर लेना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। तो ये तो उदासीनीकरण अभिक्रिया वही होता है कि जिसमें अम्ल भस्म मिलकर क्या बनाते हैं, तो लवण और जल बना देते हैं, उसी को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या होता है जब CO2 गैस को जल में प्रवाहित किया जाता है, यानी चूना जल में जब CO2 गैस को प्रवाहित करेंगे तो चूना का जल क्या बन जाता है, दुधिया बन जाता है, ये तो सब लोग जानते हैं। अगला बात करते हैं तन्यता क्या होता है, तन्यता एक गुण है जो धातु में पाया जाता है, इसी गुण के कारण धातुओं की क्या बनाई जा सकती है, तारे बनाई जा सकती है, उनको तार की तरह हम लोग घिस सकते हैं या आगे एक्सपेंड कर सकते हैं अर्थात बढ़ा सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि एथाइल एल्कोहल की संरचना सूत्र लिखें, उसके बाद ब्यूटेनॉल मेथनॉल अम्ल की संरचना सूत्र लिखें, उसके बाद बेकिंग पाउडर क्या है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है संयोजन अभिक्रिया क्या है। संयोजन अभिक्रिया क्या है, जिसमें 2 या 2 से अधिक यौगिक मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, क्या कहते हैं हम लोग संयोजन। संयोजन का अर्थ क्या होता है, जोड़ना, यानी कि संयोजन अभिक्रिया उसी को कहा जाता है। तो ये था आप लोगों के गेस्ट क्वेश्चंस का, यानी कि साइंस विज्ञान से संबंधित गेस्ट क्वेश्चन का सेट 4। अब बात करते हैं हम लोग सेट 5 पे। सेट 5 क्या है ये देखिए,
सेट फाइव में कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो साइंस से संबंधित हैं। तो इसमें कहता है कि एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण उसके अयस्क से कैसे किया जाता है, एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण उसके अयस्क से कैसे किया जाता है, ये सब लॉन्ग आंसर हैं, लॉन्ग क्वेश्चन हैं, ये आ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि पित्त क्या है, मनुष्य के पाचन में इसका क्या महत्व है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लसिका क्या है, इसके कार्यों का वर्णन करें। उसके बाद है सजीवों के चार लक्षण लिखें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं, इनके नाम तथा कार्य लिखें। तो ये तो दांत चार प्रकार के शायद होते हैं, और चार प्रकार के दांत जैसे गदनक होता है, कृतंक होता है, उसके बाद चवर्णक होता है, अगर चवर्णक होता है, ये चार प्रकार के होते हैं, तो उनके नाम और उनके कार्यों को लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वाष्पोत्सर्जन एवं स्थानांतरण में अंतर लिखें, वाष्पोत्सर्जन एवं स्थानांतरण में अंतर लिखें। और उसके बाद है लैंगिक जनन का क्या महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भ निरोधक गोलियों के बारे में बताइए। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करें, यानी कि कहने का मतलब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का संकलन लिखिए, उसके बारे में बताइए कि क्लोरोफिल के कारण क्लोरोफिल में क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। उसके बाद बताइए कि सूर्य के प्रकाश को वो ग्रहण करता है, ये सब बताइए प्रोसेस, और उसके बाद उसका चित्र भी बनाइए। ये सब लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। मनुष्य के श्वासोच्छ्वास प्रक्रिया को समझाएं। उसके बाद गोलीय दर्पण क्या है, ये भी बताना है कि गोलीय दर्पण क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात करते हैं कि विद्युत मोटर में विभक्त बलय की क्या भूमिका, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए मोटर से संबंधित दो क्वेश्चन आते हैं, एक तो होता है कि विद्युत मोटर के सिद्धांत का सचित्र वर्णन कर, जो कि पिछले सेट्स में हमने उसको बेस क्वेश्चन में शामिल किया है, और विद्युत मोटर में विभक्त बलय की क्या भूमिका। उसके बाद एक होता है आपको डायनेमो का भी। तो ये जो है ना, ये सब क्वेश्चन इतने महत्वपूर्ण है कि ये तो आना ही आना है, लॉन्ग क्वेश्चंस में ये आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में क्यों किया जाता है, ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन उसके बाद कहता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में क्यों किया जाता है, मतलब साइड मिरर का अर्थ समझ रहे हैं आप लोग, जैसे कि जो गाड़ी वाले होते हैं वो लोग कार मोटर कार बस ट्रक में ड्राइवर के बगल में एक मिरर रहता है जिससे वो साइड को देखता है, तो उससे उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये था क्या आप लोगों का सेट पाँच था मैट्रिक एग्जाम 2023 साइंस से संबंधित। अब आज बात करेंगे सेट छः के बारे में भी। सेट छः क्या है भाई, तो ये सेट छः है जो कि साइंस से संबंधित है मैट्रिक एग्जामिनेशन 2023 से। ये गेस क्वेश्चंस हैं, यानी कि अनुमानित प्रश्न हैं। इनमें से बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि आने ही आने हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। इसलिए स्टूडेंट्स इसकी तैयारी कीजिए, तो इससे आपको बहुत अधिक मदद मिल जाएगा। अब इसमें बात करते हैं सेट छः में कौन कौन क्वेश्चंस को हमने शामिल किया है। ये क्वेश्चंस क्या है, तो कहता है कि सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है क्यों, इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है खनिज एवं अयस्कों के बीच दो अंतर को लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन मुख्यतः सहसंयोजक यौगिक क्यों बनाता है। अगला क्वेश्चन वन संरक्षण हेतु क्या कदम आवश्यक है, मैंने वन संरक्षण अर्थात कि वन को बचाने के लिए। अब कहता है कि साबुनीकरण क्या है, यह स्त्रीकरण से किस प्रकार भिन्न है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, समीकरण लिखें। श्वसन एवं दहन में दो अंतर लिखें। मानव में परिवहन तंत्र के घटक कौन कौन से हैं, इन्हीं दो घटकों के कार्य लिखें। अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्सर्जन की परिभाषा से उत्सर्जी पदार्थ क्या है, उत्सर्जन की परिभाषा है, उत्सर्जी पदार्थ क्या, ये बायोलॉजी में आता है, बायोलॉजी में पढ़ाना इसको। अब बात करते हैं कि जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि परितंत्र में घटकों की क्या भूमिका है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एक प्रयोग द्वारा दर्शाएं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, ये भी बताना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित किरण आरेख खींचे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों प्रतीत होता है, तो स्वाभाविक बात है क्योंकि अंतरिक्ष में जाने के बाद वहाँ वायुमंडल होता नहीं होता, इसलिए वहाँ पर तो अपवर्तन परावर्तन प्रक्रिया कोई क्रिया होती ही नहीं है, इसलिए जो है कि ये लोग को आकाश जो है हम लोग को नीला दिखाई देता है और अंतरिक्ष यात्री को काला दिखाई देता है। विद्युत लैंप के तंतु में टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दो ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखें।
और अगला क्वेश्चन है विस्थापन और उद्भव विस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण से समझाएं। तो ये था साइंस मैट्रिक एग्जामिनेशन 2023 के अनुमानित प्रश्न। आज हमने सेट 6 तक काम किया है, यानी कि सेट 6 तक आप लोग के सामने लाए हैं। अभी 2-3 सेट और साइंस के आने बाकी हैं, उसके बाद आप लोग सोशल साइंस से के गेस्ट क्वेश्चंस को भी प्राप्त करेंगे, उसके बाद हिंदी का भी प्राप्त करेंगे, संस्कृत का भी प्राप्त करेंगे। इस तरह कुछ ही दिनों में सारे सेट्स डाल दिए जाएंगे। इसके अध्ययन करने से बहुत अधिक आपको लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ ही मेरे इस चैनल पर इंटरमीडिएट साइंस से भी संबंधित गेस्ट क्वेश्चंस की सेट्स डाले जा रहे हैं, जिसको प्लेलिस्ट में डाला गया है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। और इसके साथ साथ इस चैनल के द्वारा आप जो हैं प्रतियोगी परीक्षा के जीके जीएस, उसके बाद रीजनिंग का सॉल्यूशन, उसके बाद 9, 10, 12 के मैथ्स, फिजिक्स, इन सब का पूरा वीडियोस भी आप लोग के सामने आते रहेगा। इसलिए इन सब बहुत सारी जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस SS Academy परिवार का हिस्सा बनिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।